subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक्निकल IHQ यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम गूगल क्रोम के जो क्लोन है वो बना सकते हैं। तो गूगल क्रोम के क्लोन की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो चल रहा हो और हमें ज़्यादा ब्राउज़र यूज़ करने हों। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि आप गूगल क्रोम के क्लोन यूज़ करें। तो मोस्टली ये होता है कि हम जिस तरह यूसी ब्राउज़र वगैरह या कोई और ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अगर एट अ टाइम हम 3-4 चलाते हैं तो वो बहुत मसला करते हैं। तो गूगल क्रोम के जो क्लोन है ये बहुत ही लाइट होते हैं, जैसे गूगल क्रोम है तो एज इट इज़ होते हैं ये। तो ये ना ज़्यादा आपको तंग करेंगे ना लैग करेंगे, तो ईज़िली आप इनको रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा एन लिखा हुआ है मेरा प्रोफाइल पे, तो आपके भी यहाँ पे प्रोफाइल शो हो रही होगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे लास्ट पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा ऐड का ऑप्शन, आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। जब ऐड पे आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपने इसको नाम देना है अपने ब्राउज़र का, कोई भी नाम आप रख लें अपनी मर्ज़ी का, और फिर उसका यहाँ से कोई भी एक स्टिकर सेलेक्ट कर लें जो उसका प्रोफाइल पे आएगा लोगो एक तरह का, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। नाम जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जियो मैंने लिख दिया, तो आप यहाँ पे स्टिकर भी इसका सेलेक्ट कर लें जो लोगो होगा, सॉरी, तो ओके कर दें आप। अभी आपका क्लोन क्रिएट हो चुका है, जब ओके आप कर देंगे तो गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखें आपका जैसे गूगल क्रोम का इंटरफेस होता है एज इट इज़ इंटरफेस आ गया। अब ये अब नीचे ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे जाके आप इसको पिन भी कर सकते हैं, ठीक है, नीचे टास्क बार से। तो इसके अलावा अगर इसकी जो शॉर्टकट है वो ऑलरेडी आ चुकी है डेस्कटॉप पे, तो दोबारा आपने अगर आपने मज़ीद क्लोन बनाने तो इसी तरह प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और ऐड पर जाके आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है और क्लोन मज़ीद बन जाएंगे। इसके अलावा आपने इस ब्राउज़र की कंप्लीट सेटिंग कर लेनी है, मसलन अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सटेंशन वगैरह ऐड करनी है तो आप इसके वेब स्टोर पे जाएंगे और वहाँ पे आपने वो एक्सटेंशन सर्च कर लेनी है। जैसे मैं गूगल ट्रांसलेट की ऐड करना चाह रहा हूँ या VPN को ऐड करना है, तो वो आप ईज़िली ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने देखें गूगल ट्रांसलेट को सर्च किया था और इसको मैं ऐड कर लूँगा। तो गूगल क्रोम के क्लोन्स का बेनिफिट यही होता है कि ये लाइट होते हैं और आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं, इनका इंटरफेस भी यूज़र फ्रेंडली है। तो मैं तो यूज्ड हूँ गूगल क्रोम से ही, तो और ब्राउज़र मुझे पसंद भी नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी पर आप ये, अगर आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसकी रैम अच्छी है ज़्यादा है, तो फिर आप ईज़िली डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मसला आता है 2-3 ब्राउज़र आप चलाते हैं तो लैग कर रहा है आपका PC या लैपटॉप, तो फिर आप गूगल क्रोम के क्लोन यूज़ करें, ये बेस्ट रहेंगे आपके लिए। तो इनको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें, यहाँ पे आप ID लगा के तो जो भी आपकी की हैं बुक मार्क्स वगैरह उनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो इनकी शॉर्टकट है देखें, अब ये डेस्कटॉप पे भी आई हुई है, नीचे मैंने पिन भी की हुई है इस क्लोन की, ठीक है। तो इसी तरह आप अनलिमिटेड क्लोन्स बना के उनकी जो शॉर्टकट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख लें, ग्रुपिंग में कर लें 5-5 का या जिस तरह आप करना चाह रहे हैं, तो ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।